बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुबहानहू व तआला। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर लेसन। दिस इज़ आवर लेसन नंबर 41 एंड वी आर ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। दिस इज़ चैप्टर नंबर 4 एंड एज़ पर अकॉर्डिंग टू योर बुक ऑफ 10th फिजिक्स, दिस इज़ अ लेसन नंबर 13। So now we have to discuss the first topic of this chapter, and this is about the electrostatic induction. But first of all, before starting the discussion about the electrostatic induction, we have to understand what is meant by the charge or charges. Students, actually in this whole universe, every kind of material or every object contain a small particles, just like atom and subatomic particles like electron, neutron and proton that are available in the atom. यहाँ पर स्टूडेंट हमने ये ऑब्जर्व करना है कि चार्ज क्या है। चार्ज की अगर बात की जाए तो दुनिया में मौजूद हर ऑब्जेक्ट, हर मटीरियल, हर चीज़ एटम से मिलकर बनती है, और एटम के अंदर मौजूद डिफरेंट पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो इसके न्यूक्लियस और डिफरेंट ऑर्बिट्स में मौजूद रहते हैं, इनको हम नाम देते हैं चार्जेस का। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इट कंटेन्स अ नेगेटिव चार्ज, और अगर प्रोटॉन की बात की जाए, जिसको हम पी से भी मेंशन कर सकते हैं और ई से भी, दिस इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज कॉल्ड अ नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पॉजिटिव चार्ज। Now we simply write or design a charge with simple positive or negative charge enclosed in a circle, and we can mention a charge with the help of q, small q. Whatever the type of charge is, a positive q or negative q means positive charge or negative charge. SM as a negative sign shows or positive sign shows. तो यहाँ पर हमने इसको डिस्कस करना। अच्छा, इस चार्ज को हम डिस्कस कर क्यों रहे हैं? स्टूडेंट, चार्ज की जब बात की जा रही है तो एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन आती है, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द चार्जेस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एन एटम एंड देयर क्वान्टिटी एज वेल। यहाँ पर फिर जब बात की जाती है इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की, तो इसका मतलब है कि चार्जेस पर डिपेंड कर रहा है। जितने ज़्यादा चार्जेस उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कम हमारे पास चार्जेस उतने ही कम हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड सेम वाइस वर्सा फॉर द रिपल्शन। इसी तरह स्टूडेंट, अब ये देखना है हमने कि किस टाइप के चार्जेस अट्रैक्शन शो करते हैं, किस टाइप के चार्जेस हमारे पास रिपल्शन शो करते हैं। इन पॉइंट्स को भी हमने याद रखना है। तो यहाँ पर फिर जब हम बात करते हैं स्टूडेंट अपने चार्जेस की, तो चार्जेस के लिए हम टू टाइप्स डिज़ाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, एंड लाइक चार्ज और चार्जेस रिपेल ईच अदर। व्हाट इज मीन बाय द अट्रैक्शन और रिपल्शन? स्टूडेंट, लाइक और अनलाइक के दरमियान भी हम डिफरेंस देखेंगे, और अट्रैक्शन और रिपल्शन का। अट्रैक्शन का मतलब ये है कि दो ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के करीब आ जाना। इसी तरह रिपल्शन से मुराद दो ऑब्जेक्ट्स का आपस से दूर चले जाना विद द हेल्प ऑफ फोर्स। अनलाइक से मुराद स्टूडेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इट्स मीन्स दैट बोथ दे आर अनलाइक चार्जेस। So these type or these kind of the charges always show the force of attraction between them. और like charges की अगर बात की जाए, positive positive, negative negative, so these type of the charges show the repulsion. अब यहाँ पर फिर हम ये assume कर सकते हैं अपने charge की इन basic properties के according, कि ये जो charge की हम बात कर रहे थे और उसकी कुछ properties हमने find out कर ली। तो properties की तीन basic properties मैं आपके साथ share करता हूँ जो हमने यहाँ पर conclude की। First one is, चार्ज इज़ द बेसिक पार्टिकल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी मटीरियल। सेकेंड इज अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, एंड थर्ड वन इज लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर।
ये तीन पॉइंट हम जो है वो अपनी करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के लिए कंक्लूड कर लेते हैं। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पर। चार्जेस को तो अंडरस्टैंड कर लिया, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टूडेंट जब बात की जाती है इलेक्ट्रो की, यहां अगेन मेंशन कर देता हूं इलेक्ट्रो स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब स्टूडेंट यहां पर यह होगा डिस्कशन अबाउट द चार्जेस, वट एवर द चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड स्टैटिक मीन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। सो सिंपली वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसके दो नाम है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहा जाता है। सिंपली हम ये डिफाइन कर सकते हैं रुकी हुई रेस्ट की हालत के अंदर चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन को स्टडी करना इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का तो हमने डिस्कस कर लिया, अब यहां पर हम ये देखेंगे कि इंडक्शन क्या है। लेकिन इस इंडक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस जो है वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट जैसे मैंने ये कहा आपको कि हमारे पास लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, इसी की प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस भी हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास एक डिस्क है और ये डिस्क न्यूट्रल चार्ज है इस वक्त, इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों तरह के अवेलेबल हैं, लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाए जिस पॉइंट पर मैं चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल इस हाफ पर मैं चाहता हूँ कि नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाए इस डिस्क के, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एक बार स्टैटिक रॉड जो है जिस पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज सारे के सारे अवेलेबल होंगे, यानी ऐसा रॉड जो पॉजिटिवली चार्ज है वो ब्रिंग करूँगा इस डिस्क के नियर, और जैसे ही इसके नज़दीक लाऊंगा तो इन चार्जेस की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जितने ये चार्जेस होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे पास नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो अपनी पूरी डिस्क में से सारे इस तरफ आ जाएंगे, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे, क्योंकि सेम टाइप ऑफ चार्जेस ऑलवेज रिपेल, सो दे मूव ऑन द अदर कॉर्नर और अदर साइड ऑफ द डिस्क। सो दिस मेथड इज कॉल्ड इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी कि स्टैटिक चार्जेस को, ऐसे चार्जेस जो रेस्ट में मौजूद थे उनको हमने इंड्यूस्ड कर दिया विद द हेल्प ऑफ अनदर रॉड, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसी तरह इसकी दो एग्जांपल्स आज के टॉपिक के लिए मैं शेयर करूंगा स्टूडेंट आपके साथ। दो एग्जांपल स्टूडेंट ये हैं कि अगर आपके पास दो बैलून हैं, आप उनको छोटी सी लेंथ के स्ट्रिंग के साथ हैंग करें और हैंग करने के बाद उन दोनों के नॉट्स को सेम पॉइंट पर टाई अप कर दें। इसके बाद दोनों बैलून्स को डिफरेंट प्रैक्टिकल कीजिएगा, आप इन दोनों बैलून्स को सबसे पहले नंबर पर सेम टाइप के ऑब्जेक्ट, यानी फॉर एग्जांपल मैं एक बैलून को हेयर से रब करूंगा और सेकंड को भी हेयर से रब करूंगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको शो करवाने के लिए मैं मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा कि ये बैलून्स ही हैं लेकिन है नहीं। तो स्टूडेंट आप क्या कीजिए, दोनों को हेयर के साथ थोड़ा सा रब करें, और रब करने के बाद क्योंकि आपने इनको हैंग किया हुआ था स्ट्रिंग के साथ और टाइप किया था, जैसे इनको करीब लेकर आएंगे ये रिपल्शन शो करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट आप जैसे ही दो बैलून्स को, एक को आप हेयर के साथ और दूसरे को क्लोथ के साथ रब करें, और रब करने के बाद स्टूडेंट फिर इनको इसी तरह से हैंग अप कर दें, तो ये दोनों अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपको शो करवाती हैं कि वाकयातन आपके जो डिफरेंट पार्टिकल्स या डिफरेंट मटेरियल के ऊपर डिफरेंट चार्जेस हैं, जैसे हेयर और क्लोथ, और इन डिफरेंट चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन और सेम चार्जेस की वजह से रिपल्शन शो होती है। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, तीन डेफिनेशंस आपने याद रखनी है। तीन डेफिनेशंस में से सबसे पहले नंबर पे आपने याद रखना है स्टूडेंट अपनी चार्ज को, कि व्हाट इज मीन बाय द चार्ज, इट इज़ द बेसिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। इसी तरह चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ आप याद करेंगे, तीन प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी कि दिस इज़ अ बेसिक पार्टिकल, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद आपने डेफिनेशन याद करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन आपको आपकी बुक के फर्स्ट पेज पर मिल जाती है, द स्टडी ऑफ चार्जेस इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। और थर्ड में आपको डेफिनेशन याद करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से मुराद ये था कि किसी भी एक न्यूट्रल चार्ज ऑब्जेक्ट के पास जैसे ही चार्ज ऑब्जेक्ट आप करीब लेकर आएँ
और अपनी मर्जी के चार्ज डिस्प्ले होना शुरू हो जाएँ तो फिर इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एंड दिस इज़ आवर लेसन। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम अपना प्रॉपर एक एप्लीकेशन अपनी एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के साथ जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, विच इज़ अबाउट द इलेक्ट्रोस्कोप। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।